Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi, and in today's session, we are going to learn what are the right technical decisions that you should make before you add any third-party library in your project. Now, before we begin with this video, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then please do subscribe to the channel and share it with your iOS friend. That being said, let's begin our today's session. During project development, एक ऐसा time आ सकता है जहाँ पे आप आपके project में एक third party library add करोगे. And the reason to use third party library can be as simple as जो feature वो library provide करती है, उसको code करने के लिए आपको हो सकता है 3 से 4 हफ्ते लगे. तो इतना time invest करने से अच्छा है कि जो library available है, आप उसको use कर लो और अपना time बचा लो. But यहाँ पे एक छोटी सी problem है. जो third party library है, उसका code आपने नहीं लिखा है. And अगर उस कोड में कोई भी इश्यूज आते हैं तो वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अनलेस उस लाइब्रेरी के डेवलपर्स उस कोड को फिक्स ना करें. एंड दिस प्रोसेस कैन टेक टाइम. माई डिफॉल्ट सेटिंग्स आर कि मैं कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल आई नीड इट. एंड देर हैज़ टू बी अ वेरी गुड टेक्निकल रीजन जहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एड कर रहा हूँ. सो इन दिस सेशन आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू एडवाइसेस ऑन हाउ यू शुड सेलेक्ट अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फॉर योर प्रोजेक्ट. बट उससे पहले लेट मी शेयर सम ऑफ द एक्सक्यूजेस और रीजन from developers when I ask them ki aapne library kyun use kiya. So these are some of the common answers that I get. The very first reason is my senior told me so. And this is the reason that I get from freshers. But as I said in my past videos ki ek bar aap aapke senior ko pooch lo ki hum log ye library kyun add kar rahe hain, what are we achieving by adding this library. For example, API parsing ke liye aap URL session use kar sakte ho jo iOS framework by default provide karta hai. बट बहुत से ऐसे डेवलपर्स हैं जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जस्ट फॉर API पार्सिंग. यू कैन जस्ट आस्क देम कि आप जब नेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ये सारे फीचर्स, तो आप एक थर्ड पार्टी कोड क्यों ऐड कर रहे हो. यू कैन जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल कॉन्वर्जेशन एंड हियर द टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट. एंड द सेकेंड इज, दिस इज अगेन अ कॉमन आंसर दैट आई हियर कि आई वॉज अनएबल टू रिजॉल्व दिस, तो मैंने गूगल किया, दिस लाइब्रेरी शोड अप एंड आई एंडेड अप यूजिंग इट. द थर्ड इज द नेटिव iOS फ्रेमवर्क सिंटैक्स इज कन्फ्यूजिंग. So I use this third party library which works for me. And surprisingly, ये answer मुझे एक developer ने दिया था जिसको 5 साल का experience था iOS में. अगर मुझे कोई fresher ये बोलता तो I could have understood this, but 5 साल का experience dev ने जब ये reason दिया तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए इसको digest करना. I would say at least give technical reasons कि आप library क्यों use कर रहे हो. And if it is a solid technical reason, then yes, why not go ahead and use that library. लेकिन आपका जो reason है उस library को use करने का, वो कोई personal preference के basis पे नहीं होना चाहिए, वो एक technical reason के basis पे होना चाहिए कि this is the technical reason, this is the problem that I'm trying to solve, and this is what this library does for me. The fourth reason is, I don't know, it seems cool to use it, so I used it. और ये reasons हमारे creative developers देते हैं जिनको कूल बनना है. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको बस कूल बनना है. जो फिफ्थ रिस्पॉन्स है वो भी क्रिएटिव डेवलपर्स की कैटेगरी में ही है कि डूड आई नो iOS has native classes but this library is trending so why not use it. अब ये लाइब्रेरी कूल है, ये लाइब्रेरी ट्रेंडिंग है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने ये लाइब्रेरी बताया, इसमें से एक रीज़न भी टेक्निकल नहीं है, विच मीन्स आप पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे इस लाइब्रेरी को ऐड कर रहे हो. इफ़ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस, देन लेट मी आस्क यू दिस, यूजिंग पर्सनल प्रेफरेंस इन अ प्रोजेक्ट, इज इट गुड और बैड? इट्स नॉट बैड, इट्स वर्स्ट. लर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपके लाइव प्रोजेक्ट में ऐड मत करो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया एंड इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट. रीजन इज, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं है. अगर आपको सीखना है तो आप खुद का एक पर्सनल एक्सकोड प्रोजेक्ट बनाएं और उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके सीखें. So that being said, let me share my thought process when I select a third party. Now, before using a third party, my question to myself is कि क्या iOS framework में कोई ऐसा class है या फिर मैं एक हफ्ते में मेरा खुद का कोई custom code लिख सकता हूँ इस feature के लिए. The reason why I want to write custom code is because अगर कोई issues आता भी है तो I can update my own code और मुझे किसी पे depend नहीं रहना होगा for bug fixes. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले समझा था कि open source project, अगर आप आपके open source library अगर आप आपके project में add करते हो तो वो आपका code नहीं है, वो किसी तीसरे developer ने लिखा हुआ है. तो अगर उस code में कोई issues आते हैं तो we have to wait for that developer to look into it, fix it and then release a new version. तो ये सारा जो process है वो काफ़ी time consuming है. If the answer is no, अगर मान लो कि मैं वो custom implementation एक हफ्ते में नहीं कर पाता हूँ, तो in that case, what I would do is मैं online search करूँगा for any open source or paid library which does this job for me. And let's say आपको वो library मिल जाती है तो उसको आप directly मत add करो,
व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें वो लाइब्रेरी ऐड करो और आपको जो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है आपके प्रोजेक्ट में वो सेम फंक्शनैलिटी उस सैम्पल प्रोजेक्ट में करो। इससे होगा क्या कि आप श्योर हो जाओगे कि ये लाइब्रेरी आपके लिए सही है और वो सैम्पल प्रोजेक्ट आपका प्रूफ होगा कि दिस लाइब्रेरी इंप्लीमेंट्स द फंक्शनैलिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर। नाउ द रीजन वाई वी आर क्रिएटिंग अ सैम्पल प्रोजेक्ट इज बिकॉज कई बार कुछ लाइब्रेरीज का एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है जिसको देख के लगता है कि हाँ ये मेरे काम की लाइब्रेरी है, बट जब आप उसको आपके लाइव प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हो तो होता क्या है कि उस लाइब्रेरी में एरर्स आते हैं, वो कंपाइल नहीं होता और ऐसे बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। सो डूइंग अ POC आउट ऑफ योर लाइव प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अवॉइड सच इश्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसेंसेस। Many libraries that we see on GitHub may not actually be free, and hence there can be a cost associated with them. And in order to know ki library free hai ki nahi, the best thing that you can see is the licensing option and see if the license is an MIT license or not. और लेट्स से अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज ही ऐड करना है तो मेक वेरी श्योर कि उनका जो लाइसेंस है इट इज़ MIT लाइसेंस। एंड एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वट आई वुड एडवाइस इस कि उस लाइसेंस का जो लिंक है, फॉर एग्जांपल अगर आप गिटहब पे जाते हो और अगर आपको कोई लाइब्रेरी यू नो लाइक यू डू अ POC एंड दैट लाइब्रेरी डज एग्जैक्टली वट योर प्रोजेक्ट नीड्स, तो उस लाइब्रेरी का जो एक लिंक होती है लाइसेंस फॉर, सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शो इट टू यू। So this is a library that I use all the time, which is SwiftLint. And as you can see over here, यहाँ पे जो license है, it is MIT. Now when I click this, आप यहाँ पे देख सकते हो कि you know like what are the permissions that you have, what are the limitations you have. And यहाँ पे this is the license description. So what I do is I copy this link and I send it to my management team. The management reviews that particular license, and only when the management gives me a go ahead कि हाँ You can use this particular library in the project, मैं तभी ही use करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं use करता हूँ। But in most cases, if the license is MIT, then the management gives an approval because MIT is purely open source license. But still, being a good developer, आपको क्या करना चाहिए, जो license की link है वो आपको management को email कर देनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी open source library available हैं GitHub पे या फिर कहीं पे भी, उनका जो license है वो MIT हो। And let us say, कि आपने एक ऐसा लाइब्रेरी यूज़ किया आपके प्रोजेक्ट में जिसका लाइसेंस MIT नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज यू विल गेट वन फाइन डे यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम दोज डेवलपर्स हु मेड दैट लाइब्रेरी या फिर कंपनी हु मेड दैट लाइब्रेरी सेइंग दैट कि हमें पता चला है कि आप हमारी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो हमें बिना बताए, एंड वट वी आर एंड दिस इज, वो एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट भेजेंगे कि आपने उनकी लाइब्रेरी कौन से ऐप में यूज़ की, वट इज़ दी कंजम्पशन एंड एवरीथिंग। So what they may ask is they'll ask you to purchase the license, or they may ask you to pay the penalty, या फिर you know like they may directly take a legal action against your company. So इसीलिए मैं license को लेके बहुत ज़्यादा sensitive हूँ कि you know you should first look into the licenses, send that license का link to your management so that they can review the license. इसमें कोई hidden legal term तो नहीं है कोई जिसकी वजह से you know like you might get into trouble. तो इसीलिए it is a very good idea that you review the licenses of the open source or any third party library that you're using in your project. The next is frequency of updates. मेक श्योर कि जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो वो मेंटेन्ड है, ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी की लेटेस्ट रिलीज 2016 में हो एंड यू नो लाइक राइट नाउ इट इज़ 2020 और अभी तक कोई नया वर्जन आया ही नहीं है, यानी कि 4 साल से उस लाइब्रेरी को किसी ने अपडेट किया ही नहीं है। और अगर फिर भी आपको लाइब्रेरी यूज़ करना है तो पहले उसको आप टेस्ट कर लो एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के विद ऑल द फंक्शनैलिटीज दैट यू वांट। मेक श्योर कि कोई भी लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो आप सबसे पहले उसका एक POC दैट इज़ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने बताया, आप वो पहले कर रहे हो, यू आर मेकिंग श्योर कि वो लाइब्रेरी वो सारे फंक्शनैलिटीज कर रही है जो आपको नीडेड है, एंड ओनली देन यू इंप्लीमेंट दैट लाइब्रेरी इन योर प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट इज बीटा टेस्टिंग एप्स विद न्यू OS। एप्पल कभी भी कोई भी नया OS डायरेक्टली रिलीज नहीं करता है, वो बहुत सारे टेस्ट वर्जन्स पहले रिलीज करेगा सो दैट डेवलपर्स वट दे कैन डू इज दे गेट चांस टू टेस्ट देयर एप्लीकेशंस विद अ न्यू OS। वो ये डेवलपर्स ये टेस्ट करते हैं कि यू नो लाइक नए OS की वजह से कहीं उनके एप्लीकेशन में कोई क्रैशेस या फिर कोई UI मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। एंड लेट अस से कि अगर मैं यू नो लाइक मैं मेरे एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ एप्पल के बीटा OS में और मुझे पता चलता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे एप्लीकेशन में क्रैश हो रहा है, तो अब थर्ड पार्टी का जो कोड है वो मैंने तो नहीं लिखा है, वो किसी तीसरे बंदे ने लिखा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि नाउ आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। द ओनली थिंग आई कैन डू जब मुझे पता चलता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में इशू है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू देयर गिटहब पेज और लेट मी शो दैट क्विक डेमो। तो गिटहब पेज पे
लेट्स से स्विफ्ट लिंट में मुझे कुछ इश्यूज़ मिलते हैं, तो यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज इश्यूज़। सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन टैप ऑन न्यू इशू एंड देन यू कैन से लेट्स से दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ हर एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी का जो इशू रिपोर्टिंग पेज है वो अलग होगा। सो लेट्स से आई ओपन अ ब्लैंक इशू, तो यहाँ पे आई कैन यू नो लाइक गिव द टाइटल एंड डिस्क्राइब कि कौन से ओएस वर्जन पे मुझे ये इशू आया, एक्स कोड का वर्जन एंड ऑल द डिटेल्स दैट यू कैन गिव, यू शुड बी प्रोवाइडिंग इट ओवर हियर। सो इन ऑर्डर टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड इज दीज 5 पॉइंट्स। कोई भी लाइब्रेरी आप ऐड कर रहे हो तो उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन होना चाहिए, ना कि पर्सनल प्रेफरेंस। लाइसेंस चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर लाइब्रेरी पेड भी हुई तो लेट द मैनेजमेंट टीम वरी अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। आपके साइड से मेक वेरी श्योर कि आपके पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट है विद ऑल द फंक्शनैलिटीज दैट यू नीड फ्रॉम दैट लाइब्रेरी। सो आपके साइड से जस्ट मेक श्योर कि आपका जो टेक्निकल रीजनिंग है टू यूज दैट लाइब्रेरी इज वेरी स्ट्रांग। आई होप नेक्स्ट टाइम आप कोई भी लाइब्रेरी सेलेक्ट करोगे तो इन सारी बातों का ख्याल रखोगे, आप पर्सनल प्रेफरेंस को नहीं यूज करके टेक्निकल रीजंस को वैल्यू दोगे व्हेन यू सेलेक्टिंग अ लाइब्रेरी इन योर प्रोजेक्ट। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।